तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं गुड इवनिंग स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस का निर्धारण करें ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी यानी कि पैसे से संबंधित घाटे से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो पैसे का सही चुनाव नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का पैसे का चुनाव दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका ये आता है कि आप रिटेल में प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं, यानी कहीं से कोई होलसेल में सामान लेकर के आते हैं, फिर आप उसे सेल करते हैं। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि आप खुद ही कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसे मार्केट में सेल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे जो है जो आपके अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना होगा। कभी कई बार आपने देखा होगा आपके पास कस्टमर आता है और आपसे पूछता है इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, और आप बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस 250 रुपये है। वो कहता है दूसरी जगह पे 200 रुपये का मिल रहा है, और वहाँ चला जाता है और वहाँ जा करके वो 200 रुपये का खरीद लेता है। कभी आपने अपना ब्रेन का यूज नहीं किया होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्यों आती है, क्या कारण होता है कि कस्टमर कहता है दूसरी जगह पे 200 रुपये का मिल रहा है। तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये समस्या इसलिए आती, तो समस्या सारी इसीलिए आती ये प्रोडक्ट का जो है प्राइस निर्धारण ही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अब प्रोडक्ट प्राइस निर्धारण जो होता है वो रिटेल में बात करने जा रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट का रिटेल का प्राइस कैसे निर्धारण करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका मार्जिन जो है फिट होता है, यानी कि अगर आप पार्ले बिस्किट खरीदने जाते हो 5 रुपए का मिलता है, आप कोई टॉफी खरीदने जाते हो 1 रुपए की मिलती है, आप कोई दवा खरीदने जाते हो उस पर प्राइस पड़ा होता है, यानी कि कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, लगभग 30% प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हैं जो सेम रेट पे मिलते हैं, मतलब उसमें कोई भी तरीके का किसी भी तरीका डिफरेंट नहीं होता है। बट बाकी कुछ सामान जैसे कपड़ा होता है, अब कपड़ा प्रोडक्ट प्राइस पे नहीं सेल होता, या कोई बर्तन खरीदने जाते हो वो प्राइस पे सेल नहीं होता, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। या कोई आप ऐसी चीज़ खरीदने जाते हो तो वहाँ पर अब मोबाइल की बात कर लेते हैं तो 100-200 इधर उधर हो सकता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जैसे कि कपड़े वगैरह की इस तरीके की शॉप है, तो आपको कैसे वहाँ पर अपना प्राइस सेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अभी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ मांगी जाती है जिसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टोटल यही सब दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉस्ट स्टार्टिंग में सेट करना है। तो सबसे पहले आपको एक पेपर तैयार करना है जहाँ पर आपको अपने किराया जो है जो भी आपने दुकान ले रखी है उसका प्राइस लिखना है। फिर इसके बाद दुकान के प्राइस के बाद फिर जितने का आप कपड़ा होलसेल में खरीद करके लाए हैं उतने का सामान लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना है, जो भी किराया आ रहा है वो भी लिखना है, दो लोगों की फैमिली है वो भी लिखना है कि कितने लोगों की फैमिली है, मंथली आपका खर्चा कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें बिल लिखना है, खुद का किराया लिखना है, खुद की भी एक सैलरी सेट करनी है। जैसे कि वॉरेन बफे या बिल गेट्स की लोग बात करें, ये लोग खुद की सैलरी अपनी अलग रखते हैं, यानी कि मैंने जो है 8 घंटे हमें इतना मेहनत करना है, इतनी हमें सैलरी अपने बिजनेस से लेना है, बाकी प्रॉफिट की अलग बात है। अब यहाँ पर आपको अपनी सैलरी सेट करना है। अब टोटल सब कुछ मिला लेते हैं, जैसे कि 50,000 का आपका टोटल प्रोडक्ट हो जाता है होलसेल में लेकर के आते हैं, और आपका जो 50,000 का प्रोडक्ट होलसेल में खरीद करके आपको लेकर के आए, फिर उसमें से आपकी 10,000 सैलरी हो गई, 1500 के दुकान का किराया हो गया, उसी में आपके जो है 300-400 रुपये आपका बिजली का बिल हो जाता है, 250 रुपये आपका किराया हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उससे आपको उसी से भाग कर देना है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए का प्राइस रखना चाहिए जिससे कि हमारे दुकान का भाड़ा और साथ ही साथ हमारा भी खर्चा सब कुछ निकल आए। अब यहाँ पर ये जब आपका सेट हो जाता है, फिर वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में प्राइस ना के बराबर अपना सेट करना है। ना के बराबर का मतलब ये होता है कि आपको इतना पैसा कमाना है कि लगभग जो है अगले महीने का जो है बिजली का बिल जो है अगर इस महीने अगले महीने कमाई नहीं होती तो आराम से जमा हो जाए। यानी शुरुआत में आपको जियो की तरीके से एकदम ना के बराबर जो है पैसा कमाना है। सबसे पहले आपको कस्टमर अपना बनाना है, कस्टमर प्राइस रेट सेट करके जब कस्टमर आपका बन जाता है फिर धीरे धीरे आपको अपने प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करना है और आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप ये हो जाता है आपका रिटेल प्राइस रेट सेटिंग।
अब रिटेल प्राइजर सेटिंग के बाद अब आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइजर सेटिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग प्राइजर सेटिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखना पड़ता है कि रिटेल में जो बात अलग होती है मैन्युफैक्चरिंग में अलग होती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उससे संबंधित, क्या उसी से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो कितने का दे रहा है, वो कितने का दे रहा है और आखिर आप कितने का दे रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप में प्रेजेंट टाइम में नहीं है। यानी कि उसमें मान लेते हैं कोई एक आयुर्वेदिक दवा जिसमें अश्वगंधा और भी नीम और सी बहुत सारी औषधियाँ उसमें भरपूर मात्रा में और वो मल्टीपल बीमारियों को दूर करती है। बट अगर आप कोई आयुर्वेदिक औषधि बनाते हैं उसमें जो मल्टीपल औषधि जो वो आपकी औषधि है वो किसी एक ही बीमारी को दूर करती है, तो आदमी ज़्यादातर किसे अफोर्ड करेगा, उस मल्टीपल सीसी को जरूर अफोर्ड करेगा। तो इस वजह से आपको सबसे पहले ये पता करना कि कंपटीटर आपका जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो कितने रुपये का सेल कर रहा है, और फिर जो भी शॉप हैं उन शॉप से आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, जो भी शॉप हैं उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा कि या इस प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, ये कंपनी जो प्रोडक्ट निकाल रही है, क्या इस प्रोडक्ट का प्रेजेंट टाइम में डिमांड है। अगर वो कहता है हाँ डिमांड है तो भी उस प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना है। अब चलिए बात हो जाती है यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, अब वहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट कितनी रखनी है। अब वहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी आ जाती है, आज की डेट में सारा ओरिजिनल नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावटी दो नंबर का काम जरूर होता है। जैसा कि सबको पता है प्रेजेंट टाइम में आप इस समय एक तेल की सीसी लेकर लेने जाते हो और वो कितने की मिलती है, आपको 160 रुपए की मिलती है। अब 160 रुपए की अगर तेल की सीसी मिलती है तो वहाँ पर अगर आप जो है 2 किलो लाही या मही जो है सरसों पिराई करवाते हो तो वहाँ पर आपको 1 किलो ऑयल निकलता है। यानी कि अगर अच्छी सरसों है तो 1 किलो ऑयल निकल आता है, 160 रुपए का हो जाता है, और 2 किलो 80 रुपए का आपका सरसों हो जाता है। फिर उसकी प्रोसेसिंग सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग और आपके यहाँ तक पहुँचते उसका किराया इतना डबल हो जाता है, साथ ही साथ रिटेल का वगैरह ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपना सब कुछ डेटा एनालिसिस करके मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी जो भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसकी कॉस्ट मेंटेन नोट करना है, मशीनरी की कॉस्ट नोट करना है, कितना आपका बिजली का बिल लग रहा है ये नोट करना है, फिर बिजली के बिल के अलावा कितनी आपकी मैन पावर रख रही है ये आपको नोट करना है, कितनी आपको मार्केटिंग में खर्चा करना है बजट ये नोट करके रखना है, मार्केटिंग के बजट के अलावा फिर आपको शॉपकीपर को कितना रुपए प्रॉफिट देना है। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए जो आपका कंपटीटर हो कितना रुपए उसे दे रहा है, अगर सही नहीं दे रहा तो BSNL की तरीके से गायब हो जाओगे आप। यानी कि अगर सही से कमीशन आप जो है जो रिटेलर है उसे नहीं दोगे तो जैसे BSNL खत्म हो गया उसी तरीके से आप भी धीरे धीरे दुनिया से खत्म होते चले जाओगे। तो इसीलिए आपको रिटेलर को हमेशा जियो की तरीके से जबरदस्त, एयरटेल की तरीके से उसे प्रॉफिट मार्जिन देना है, जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन देना है। जैसे कि सैमसंग था, सैमसंग बहुत ही कम रेट में लोगों को जो है जो भी स्टोर से मोबाइल स्टोर में कम बहुत ही कम कमीशन देता था, जिसकी वजह से लोग ओप्पो वीवो को एफर्ड करने लगे, कोई सजेस्ट करने लगे तो भी दुकान के पास आता है उससे ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं, कहता यार ये तो मोबाइल हमेशा सेल करता है, कहता भैया यार जो सबसे अच्छा मोबाइल हो उसे दिखा दो, उनको तो कमीशन मिल रहा है वीवो ओप्पो पे रियलमी पे, तो वो कहता है यार यही ले जाओ। ठीक है, भले वो सही हो या गलत हो बात की बात है, कैसा निकले मोबाइल वो बात की बात है, बट आप क्या करते हो रिटेल सैमसंग को नहीं सजेस्ट कर। तो इस तरीके से आपको कितना परसेंट कमीशन रिटेलर को देना है ये भी आपको फिक्स करके स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। फिर आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है और शुरुआत में जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि कम पैसे में लॉन्च करना है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हो और मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा, किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर हमें बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो देने की कोशिश करेंगे। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।